तो या अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मुझे लगता है आपने इंडियन आर्मी एसएससी टेक्निकल के फॉर्म में कोई ना कोई मिस्टेक कर दी है और आप उसमें करेक्शन करना चाहते हैं। और अगर आपने अभी तक इंडियन आर्मी एसएससी टेक्निकल का फॉर्म फिल नहीं किया है तो इस पर हमने अलग से वीडियो बनाई है जिसमें हमने कंप्लीट प्रोसेस बताई है कि आप अपने मोबाइल से कैसे इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और अगर आप इसका फॉर्म फिल कर रहे हैं और आप इसमें डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं कर पा रहे तो उस पर भी हमने अलग से वीडियो बनाई है जिसमें हमने कंप्लीट प्रोसेस बताई है कि आप अपने मोबाइल से इस फॉर्म में डॉक्यूमेंट्स कैसे अपलोड कर सकते हैं। तो इन दोनों वीडियोस को भी जरूर देखिएगा, इनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो फिलहाल आज की वीडियो पर आते हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर आपसे इंडियन आर्मी एसएससी टेक्निकल के फॉर्म में कोई मिस्टेक हो गई है और आप उसमें करेक्शन करना चाहते हैं तो इसकी प्रोसेस क्या रहने वाली है, कैसे आप इस फॉर्म में करेक्शन कर सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अब टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते फटाफट मोबाइल की स्क्रीन पर और आपको कंप्लीट प्रोसेस बताते हैं। दोस्तों, इंडियन आर्मी एसएससी टेक्निकल के फॉर्म में करेक्शन करने के लिए हम सबसे पहले फॉर्म जानकारी वेबसाइट पर आ चुके हैं। यहाँ पर हमने इंडियन आर्मी एसएससी टेक्निकल रिक्रूटमेंट 2022 का पेज ओपन कर लिया है। इस पेज की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से आप डायरेक्ट इस पेज पर आ सकते हैं। अब फॉर्म में करेक्शन करने के लिए हमें नीचे जाना होगा। यहाँ पर हम इम्पोर्टेंट लिंक्स के सेक्शन में आ गए हैं। इसमें अप्लाई ऑनलाइन के सामने क्लिक हियर का ऑप्शन है, हम इस पर पहले क्लिक कर देंगे। अब हम ज्वाइन इंडियन आर्मी की पोर्टल पर आ चुके हैं। यहाँ पर पोर्टल में एंटर करने के लिए ऊपर दिए हुए कैप्चा को नीचे ब्लैंक बॉक्स में डालना है, उसके बाद एंटर वेबसाइट पर क्लिक कर देना है। अब हमने कैप्चा यहाँ पर फिल कर दिया है, एंटर वेबसाइट पर क्लिक कर देंगे। अब हम पोर्टल पर एंटर कर चुके हैं। सबसे पहले हमें इस पोर्टल को डेस्कटॉप साइट में बदलना होगा, तो हम 3 डॉट पर क्लिक करके रिक्वेस्ट डेस्कटॉप साइट पर क्लिक कर देंगे। अब आप देख सकते हैं ज्वाइन इंडियन आर्मी का पोर्टल डेस्कटॉप साइट में बदल चुका है। यहाँ पर लेफ्ट साइड में न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिया हुआ है और राइट साइड में ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स लॉगिन करके अपने फॉर्म को खोल सकते हैं। तो हमने पिछली वीडियो में अपना रजिस्ट्रेशन किया था, तो उस रजिस्ट्रेशन में जो हमने यूजर आईडी और पासवर्ड बनाया था उसको यहाँ पर फिल कर देंगे। उसके बाद नीचे कैप्चा एंटर करना है और लॉगिन पर क्लिक कर देना है। तो मैं जल्दी से यूजर आईडी और पासवर्ड यहाँ पर एंटर कर देता हूँ और लॉगिन करके आपको आगे ले चलता हूँ। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं हम ज्वाइन इंडियन आर्मी के पोर्टल पर लॉगिन कर चुके हैं। अब यहाँ पर हिस्ट्री ऑफ एप्लीकेशन में एसएससी टेक्निकल का हमारा एप्लीकेशन दिखा रहा है जो कि सबमिटेड है। अब अगर हमें इसमें एडिट करना है तो पहले व्यू पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर हमें एसएससी एप्लीकेशन डिटेल्स शो हो रही है जिसमें हम नीचे जाएंगे। अगर आप नीचे आते हैं तो यहाँ पर एक डिक्लेरेशन दिया हुआ है जिसमें आपको टिक लगाना होगा। उसके बाद नीचे यहाँ पर एडिट का ऑप्शन दिया हुआ है और कैंसिल एप्लीकेशन का ऑप्शन दिया हुआ है। अगर आपको इसी एप्लीकेशन फॉर्म में कुछ एडिट करना है तो आप एडिट पर क्लिक करके उसको एडिट कर सकते हैं। जैसे मैं एडिट पर क्लिक करूंगा और ओके पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर दोबारा से ओके पर क्लिक कर देना है। हमारी जो एप्लीकेशन फॉर्म है वह अनसबमिटेड हो गई है। ओके पर दोबारा से क्लिक करेंगे। आप देख सकते हैं हम यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस के ऑप्शन पर दोबारा से आ गए हैं। जिस तरीके से हमने एप्लीकेशन फॉर्म को फिल किया था उसी तरीके से एप्लीकेशन फॉर्म दोबारा से खुलकर आ गया है। इसमें नीचे जाएंगे, कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अपने एप्लीकेशन में पर्सनल इन्फॉर्मेशन के पेज पर आ चुके हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो भी रजिस्ट्रेशन में डिटेल भरी थी वो सभी डिटेल यहाँ से हो रही है। आप इस रजिस्ट्रेशन में फोटो और सिग्नेचर्स को भी एडिट कर सकते हैं। और अब हम नीचे जाएंगे, इसमें सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप एड्रेस की डिटेल किसी भी डिटेल में आप आगे एडिट कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है, इसमें जो भी डिटेल आपको एडिट करनी थी उसको एडिट करने के बाद आपको नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाना है और लास्ट में आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म के प्रीव्यू पर आ जाएंगे। तो दोस्तों, जब आप एसएसबी एप्लीकेशन के लास्ट पेज पर पहुंच जाएं तो आपको नीचे आना है। आप यहाँ पर देखेंगे कोई भी सबमिट करने का ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, तो आपको इस एप्लीकेशन को सबमिट करने के लिए पहले क्या करना है, जो आपने पोर्टल पर लॉगिन कर रखा है उसको लॉग आउट करके दोबारा से लॉगिन करना है। आप देख लीजिए, मैंने यहाँ पर ज्वाइन इंडियन आर्मी के पोर्टल पर दोबारा से लॉगिन कर लिया है। अब मैं अप्लाई ऑनलाइन के ऑप्शन पर जाऊंगा। यहाँ पर जो हमें एप्लीकेशन फॉर्म हमने अधूरा छोड़ दिया था उसमें अप्लाई पर क्लिक करेंगे। इंस्ट्रक्शंस में नीचे जाएंगे, कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमें लास्ट पेज पर पहुंच जाना है। हमने एसएसबी में नो किया था, अब सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। आप देख सकते हैं हम दोबारा से एसएससी एप्लीकेशन डिटेल्स के लास्ट पेज पर आ चुके हैं। अब हम इसमें नीचे जाएंगे, आप यहाँ पर देखिए सबमिट का ऑप्शन दोबारा से आ चुका है। तो हमें एप्लीकेशन को सबमिट करने के लिए पोर्टल पर एक बार लॉग आउट करके दोबारा से लॉगिन करना होगा, तभी हमें एप्लीकेशन फॉर्म में सबमिट का ऑप्शन शो होगा। अब हमें यहाँ पर टिक लगा देना है चेकबॉक्स पे और सबमिट पर क्लिक कर देना है। ओके पर क्लिक करेंगे, हमारा एप्लीकेशन फॉर्म दोबारा से सबमिट हो चुका है। ओके पर क्लिक कर देंगे। तो दोस्तों, ये थी कंप्लीट प्रोसेस इंडियन आर्मी एसएससी टेक्निकल के फॉर्म में करेक्शन करने की। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक कर देना। वीडियो अगर आपकी किसी भी काम आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसी काम की वीडियोस आपके लिए लाते रहते हैं। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।